हेलो भाई, आज से 2 से 3 दिन हो गए जब भी मैं अटेंडेंस ओपन कर रहा हूँ, सर्वर को स्टार्ट कर रहा हूँ अपडेट ट्यूटोरियल्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो सर्वर स्टार्ट करने पे हमारे सामने कुछ ऐसे क्वी आ जा रहा, वेटिंग फॉर क्वी, मतलब आपको 31 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, कभी कभी 1 घंटे से भी ज्यादा वेट करने के लिए बोलते हैं कि बस आपका सर्वर स्टार्ट हो पाए। मतलब कोई सर्वर स्टार्ट करने के लिए आधा घंटा 1 घंटा कौन ही वेट करेगा। तो मैं सोचा कि ये आखिर आ क्यों ना, और इसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं, वो सब मैंने पता किया, जो कि आज की वीडियो में बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा और इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, या फिर अपने आप ये सॉल्व होगा तो कब सॉल्व होगा, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं ये आ क्यों ना। तो यहां पे ऊपर में लिखा है रीड मोर अबाउट द क्यू एंड व्हाई इट्स दैट लॉन्ग हेयर। मैम ये यहां पे क्यों है और इतना लंबा क्यों हो रहा है, इसके लिए आप यहां हेल्प पे क्लिक करोगे तो इनका एक पेज आएगा जिसमें इजीली सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश लिखा हुआ है। अब इसको हिंदी में कन्वर्ट करके भी पढ़ सकते हो, और बाकी आप यहाँ से इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में पढ़ लो। बेसिकली यही मीनिंग है कि ये बहुत टाइम से इनका फ्री सर्वर चल रहा है, जिसमें अभी ये लोग फ्री में बहुत सर्वर बहुत लोगों को दे रहा है, और जब हाई सर्वर मतलब हाई यूजेज होने लगता है इंटरनेट का, तो हर साल कुछ दिनों के लिए प्रॉब्लम आता है इनका, जिसमें ये आपके सर्वर को स्टार्ट करने के लिए होल्ड पे डाल देते हैं। जब सर्वर ऑफ होते रहते हैं तो आपका नंबर आते रहता है, और जैसे यहाँ पे ये जो 15-14 आ रहा है ये 0 होगा, तो आपका सर्वर कन्फर्म करने का ऑप्शन आएगा, कन्फर्म पे क्लिक करोगे आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। बट ये लंबा प्रोसेस इसलिए आता है क्योंकि बहुत ज्यादा इनके पास कस्टमर हो चुके हैं और फ्री स्पेस लिमिटेड है, मतलब एक टाइम पे बहुत ज्यादा बंदे एक साथ सर्वर को यूज नहीं कर सकते, एक बंद होगा तो एक ही स्टार्ट होगा, एक बंद होगा तो एक ही स्टार्ट होगा, तो ऐसा इनका सिस्टम है। तो ये है, इस तरह से ये आपका होल्ड पे आता है कि जैसे जैसे बंद होते रहेगा नंबर कम होते रहेगा, और जैसे यहाँ पे आपका ये 53 या 50 के आसपास आएगा तब यहाँ पे कन्फर्म नाउ का कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, कन्फर्म नाउ पे क्लिक करोगे फिर आपका सर्वर स्टार्ट होने लगेगा, और उसके बाद आप इस सर्वर को स्टार्ट करके खेल पाओगे इजीली। बट उसके लिए यहाँ पे तो इन्होंने 7 मिनट का एग्जांपल दिखाया, पर हमारे पास देखो 29 मिनट, ये भी कम है, कभी कभी 40-50 मिनट भी आ रहा है, तो इतना वेट तो हम कर नहीं सकते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो गाइस देखो मैं बताता हूँ सॉल्यूशन है, आप कहीं भी देख लो, कितना भी वीडियो देख लो, परमानेंट सॉल्यूशन मतलब कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जिसे आप अभी कर दे तो ये 29 मिनट अभी 1 मिनट या 0 मिनट हो गए खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई सॉल्यूशन है नहीं, या वो वेट करना ही पड़ेगा। बट हर एक साल कुछ दिनों, 1 वीक 2 वीक के लिए प्रॉब्लम आता है अटर्नल में। अगर आप एटर्नल को काफी टाइम से यूज कर रहे हो तो आपने ये कभी ना कभी फेस किया होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस अगर आप एसएमपी ओएसएमपी यूज करो तो आप पहले आधा घंटा ऑन कर दो, आपका स्टार्ट हो जाए तो उसको ऑन करके ऑन रखो, ऑन करके खेलते रहना, जब तक खेलोगे तब तक सर्वर ऑफ नहीं होगा। बट ये जो स्टार्ट करने वाला प्रॉब्लम है वो परमानेंट कब तक ठीक होगा, तो ये आप ठीक नहीं कर सकते, ये अटेंडेंस वाले ही ठीक करेंगे। बस 1 से 2 वीक ये चलता है, जब भी ये हर किसी भी साल आता है तो आपको 1 से 2 वीक तक ऐसे प्रॉब्लम आता है, कभी कभी जल्दी भी ठीक हो जाता है, कभी 1-2 वीक तक लग जाता है। तो 1 से 2 वीक आप वेट करो, 1 से 2 वीक बाद ये जो पहले नॉर्मल वाला था ना, स्टार्ट करने पे 5-6 मिनट वेट करो और स्टार्ट हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। बट अभी मैं 2 दिन से खुद मैं परेशान हूँ, मैं ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करना चाहता हूँ पर रिकॉर्ड कर नहीं पा रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा कौन ही वेट करेगा, इतना वेट मेरे से तो हो नहीं पाएगा। तो चलो मैंने इसका डिटेल आपको बता दिया कि आपको अभी जैसे तैसे आप वेट ऑन करके खेलो, बस 1 से 2 वीक के अंदर ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, आपको ये बार बार इतना वेट नहीं करना पड़ेगा। तो बस यही आज का वीडियो था, सॉरी थोड़ा स्टार्टिंग में मैंने आपको गुमराह कर दिया कि सॉल्यूशन मिलेगा, पर सॉल्यूशन है ही नहीं, तो मिलेगा कैसे, ठीक। तो बस हम वेट कर सकते हैं तो वेट करो, और अगर ये कल तक ये मतलब कल भी ये प्रॉब्लम आया तो कल मैं किसी और होस्टिंग पे कोई ट्यूटोरियल लाऊंगा, क्योंकि मेरे को ट्यूटोरियल बनाना है बट अटेंडेंस के कारण बना नहीं पाया, तो ये बना दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, लव यू एंड बाय बाय। और हाँ, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।